अब ये देखो, ये तो हमने लास्ट में लास्ट क्लास में हमने ये सब सारा किया था, नहीं? यू रिमेम्बर? ठीक है, अब क्या पूछा है? वर्क डन इन रेजिंग अ स्टोन ऑफ मास 5 kg इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, ओके ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये यहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ भी था। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो वेट इन एयर एंड द लॉस ऑफ वेट इन वॉटर। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप सॉलिड्स फ्लूइड्स में ज्यादा डिटेल में करते हो अभी, फॉर द टाइम बीइंग हाँ ये चीज आप लर्न कर लो, फिर हम लोग तो डिटेल में करेंगे ही ये चीज। ये कर्सर मेरा देख रहे हो, लॉस ऑफ वेट इन वॉटर इज वेट ऑफ एयर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये वर्क एनर्जी पावर का कंसेप्ट नहीं है, और ये बहुत डिटेल डिस्कशन है। अगर अगर तुम्हें याद हो, क्लास 9th में ये टॉपिक था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो क्या था कि व्हेन एनी सॉलिड बॉडी इज इमर्स इन अ फ्लूइड, दैट सॉलिड बॉडी अपेरेंटली लूजेस सम ऑफ इट्स वेट, यानी कि अपेरेंट लॉस होता है उस वेट में, एक्चुअल वेट में अपेरेंटली लॉस हो जाता है। हाँ, लेकिन वो रियल में नहीं होता। जब तक फ्लूइड के अंदर यानी वाटर के अंदर में रहता है तभी तक लॉस होता है। हाँ, और दिस लॉस ऑफ वेट, अपेरेंट लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, नथिंग टू डू विथ वॉल्यूम। तो फिर बाद में आप वेट को, वेट वाले फैक्टर में जो मास आ रहा है उस मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दो, वहां से ही ये वाला रिलेशन आता है। तो बट इसमें एक और प्रॉब्लम है, केजी वेट। व्हेनेवर यू हैव केजी वेट, 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन एंड 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 989। और ये डिपेंड करता है तब जब जी का वैल्यू 9.8 ले। अगर 9.8 नहीं ले, कई बार क्वेश्चन में बोल देते हैं ना, टेक जी इज इक्वल टू 10, फ्लेक्सिबल चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज स्लोली पुल्ड एट कॉन्स्टेंट स्पीड अप ओवर द एज ऑफ अ टेबल। अब ये कॉन्स्टेंट स्पीड का भी मीनिंग यहाँ पे निकलता है। कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लेनी है। अप ओवर द एज ऑफ अ टेबल बाय अ फोर्स एफ पैरेलल टू द एज ऑफ द टेबल, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड अ चेन, कैलकुलेट द वर्क डन। ये पूरी चेन जो है लेंथ एल है, लेट एक्स पार्ट इज ऑन द टेबल, तो ऑब्वियसली एल माइनस एक्स पार्ट विल बी हैंगिंग पार्ट। वर्क डन नीचे हैंगिंग पार्ट को लिफ्ट करने में, द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द चेन विल वेरी विद डिस्टेंस। उनमें बोल देते हैं कि L/3 पार्ट हैंगिंग है, तो ऐसे में यू नीड नॉट डू इंटीग्रेशन। अभी मैं आपको वो प्रॉब्लम भी दूंगा, देखना, वो आराम से कर दोगे। इसमें प्रॉब्लम ये आई क्योंकि इस ये एल माइनस एक्स अपॉन एल एम जी ये क्या मतलब है, व्हाट इज दिस, है ना? तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द चेन, दिस एल माइनस एक्स अपॉन एल। अगर ये वाला पार्ट L/3 है तो ये उसी तरीके से लिखी गई है, वेट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द चेन स्टिल हैंगिंग ओवर द एज। हाँ, तो अदर पार्ट ऑफ द चेन इज सपोर्टेड बाय द टेबल, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है दैट एम जी, अगर आप ये वाला स्टेप क्लियर हो तो एफ डी एक्स, तो फिर तो इंटीग्रेट ही करने की बात है। और इंटीग्रेट कहाँ से कहां तक करनी है, पूरा का पूरा 0 to L। सारे पहले डी डब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया, डी डब्ल्यू इज एफ डी एक्स, और एफ का वैल्यू ही यहाँ पे सबसे मेन चीज, एल माइनस एक्स इज हैंगिंग पार्ट, तो एल माइनस एक्स अपॉन एल, तो ये बिकॉज डी डब्ल्यू इज वर्क डन, डी डब्ल्यू इज एफ डी एक्स, फिर ये चीज बेसिकली यही वाला चीज तो फॉलो हो रहा है। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि हम एफ जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे,
अब मैं आपको पहले इसका एक एक इजी वर्जन मैं निकाल के देख, यूनिफॉर्म चेन, ये देखो 1/3, ये एल लेंथ है, मास एम इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द, वही वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द टेबल, दिस इज पूरा का पूरा ये एल लेंथ है और दिस इज इस साइड जो हैंगिंग पार्ट है वो एल बाय थ्री है और पूरे का मास, टोटल मास एम है। अब ये हैंगिंग पार्ट का को लिफ्ट करने में, ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन हो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज mgh, बिकॉज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड हियर फोर्स इज mg वे एंड डिस्प्लेसमेंट इज हाइट h। तो फिर अब आप कंफ्यूज हो गए कि तब तो हाइट यहाँ पे ये पूरी की पूरी हाइट है, ये पूरी की पूरी हाइट है l बाई थ्री, बट नो, यहाँ पे ये l बाई थ्री जो पार्ट है इस पूरे का वेट जो होगा वो इनके मिड पॉइंट पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हम लोगों को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पार्ट का, इस पार्ट के लिए वर्क डन कुछ और होगा, इस पार्ट के लिए कुछ और, इस पार्ट के लिए कुछ और, इस पार्ट के लिए, अगर छोटे 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 इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंटल लेंथ अगर हम लोग कंसीडर करें तो इस पार्ट का सारे पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए सबसे कम होगा। तो इसलिए ऐसे केस में हम लोग जब सिंप्लिसिटी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे टोटल इस पार्ट का वेट को सेंट्रलाइज कर लिया। अब आप हैंगिंग पार्ट का वेट अब मालूम करो, टोटल का एम दे रखा है ना? हाँ, यस। तो हैंगिंग पार्ट का भी मास विल बी एम बाय थ्री ओनली, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म चेन है। पार्ट विल हैव मास ऑफ, ये इतने का मास भी एम बाय थ्री होगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज एम जी, तो m by 3 into g, ये तो समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट आप l by 3 लोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्प्लेसमेंट लोगे ना, तो mgl by 18। तो अब आंसर टैली करते हैं कि वहां पे क्या था आंसर। हां सर, इस क्वेश्चन में 14.08 में लॉग है, लॉग m प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन होता है, और दूसरा लॉग एम माइनस, यहाँ पे जो अप्लाई हुआ है वो ये हुआ है, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन। अब देखो देखो, ये यहाँ पे यही अप्लाई हुआ है। सी लॉग, पहले एक बार आप अपर लिमिट पुट किए, फिर एक बार लो, तो log m माइनस log n, तो डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। अब फिर उसके बाद तो फिर तो ये जनरल डिवीजन है, ये यहाँ से तो फिर डिवाइड ही कर दिया, तो डेसिमल एक राइट की ओर खिसक गई। ये log ऑफ, ये log टू द बेस e है, ये log टू द बेस e है, log ऑफ x टू द बेस e को हम लोग कैलकुलेशन करते समय log ऑफ x, ये 2.302 या अप्रोक्सीमेटली 303 इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10, यानी टू द बेस 10 जब आप लेके आ जाते हो तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, बिकॉज अभी लॉग टू द बेस ई है, ये एक्सपोनेंशियल वाला ई नहीं। एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लॉग लगाया है। ये वो वाले फोर्स होते हैं जिनमें वर्क डन जो है फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता हो। अब ये तो बड़ा बुकिश लैंग्वेज है, अब मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वर्क डन क्यों पाथ पे डिपेंड नहीं करता? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम है और फोर्स अप्लाइड भी सेम है। हियर इज द केस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कैटेगराइज अंडर
कंजर्वेटिव फोर्स, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस में फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन में पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पाथ पे कैसे वाले फोर्सेस डिपेंड करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अभी आपके 12th के सिलेबस में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, एंड ऐसे ही सिमिलर है मैग्नेटिज्म में भी, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट पोल स्ट्रेंथ। कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ऑल दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस इनमें, लेकिन इनमें तो हाइट नहीं है। मैं आपके उस पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि जहां पे हाइट नहीं होगी वो सारे नॉन कंजर्वेटिव हो जाएंगे, बट इलेक्ट्रिक फोर्स में तो हाइट नहीं है। फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पे ही वर्क डन डिपेंड करेगा, लेकिन वहां पे हाइट के पॉइंट्स थे। अगर आपने थोड़ा सा भी ग्रेविटी ग्रेविटी पढ़ लिया होगा तो मैं वो लैंग्वेज यूज करना चाहता हूँ। हर पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज हर हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। वहां पे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एक इलास्टिक इलास्टिक स्प्रिंग इलास्टिक फोर्स, और फिर नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शनल फोर्स पाथ पे जो डिपेंड करता है, विस्कस फोर्स जो हमारे को पढ़ाई करते करते जो दिमाग में टेंशन होता है वो वाला, नो सर, जो रोप पे लगता है जब हम उस पे मास अटैच करते हैं। यस, मास अटैच करते हैं, तो अगर ऐसे करके ये mg है तो टेंशन विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, मतलब जिस बॉडी में हमने फोर्स अप्लाई करा ना, तो इनिशियल स्पीड उसकी u थी और u से बढ़कर वो v हो गई, चेंज हो गई। तो टोटल वर्क डन इन डूइंग सो, इन डिस्प्लेसिंग दिस बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, this work done is equal to change in kinetic energy. बड़ा logical भी लगता है कि law of conservation of energy यहाँ पे apply हो रहा है, final kinetic energy minus initial kinetic energy, तो यानी कि वही energy तो जो apply हुई और वही that applied is work done, rate of doing work ये होता है power, ना work upon time, what? 1 watt is equal to joule per second. Power का क्या dimension क्या होता है? Is force into displacement. So force is ML T minus 2 into L. फिर upon T, T minus 3. तो ये दो तीन ना sequence में आप याद रखो, हमेशा काम आएगा. Force is ML T minus 2. फिर वर्क डन में एक L और add हो गया तो ML 2 T minus 2. और फिर power में एक और टी ऊपर से माइनस टू से माइनस थ्री हो गया। ये सीक्वेंस ये बार बार हर जगह पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ती। और एनर्जी को कैसे आप डिफाइन करते हो? कैपेसिटी टू डू वर्क, सिंपल बच्चों वाला डेफिनेशन। और काइनेटिक एनर्जी तो बड़े आराम से बोल सकते हो कि एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, है ना, ये सब जनरल बात है। अब आप टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाँ मतलब वैसे ही कैलकुलस करके ही करना है। बॉडी अगर एक बारी यहाँ पे थी, हियर इट वाज एट रेस्ट, है ना, तो जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी डिस्प्लेसेस यहाँ पे, ऑब्वियसली ये एम था। अब जो है नाउ इट इज एक्वायरिंग वी वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन का आप एक्सप्रेशन निकालो यहाँ पे, नहीं अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते, तो आप वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाल लो, क्यों ना मोस्ट बेसिक फंडामेंटल यूज कर लो, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, v square is equals to u square plus 2as. Yes, a will be v square by 2s. So therefore, work done is equal to force into displacement.
ये s डिस्प्लेसमेंट है, तो f वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू, मतलब जब जब हमें p चाहिए होता है तो रूट अंडर 2km कर लेते हैं। सबसे पहले ना वो फ्रैक्शन आप पहले ही से कैलकुलेट कर लो, k2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 एंड दैट इज k2 अपॉन k1 माइनस 1 इनटू 100। अब हमें k2 अपॉन k1 चाहिए, लेकिन बट एट द सेम टाइम हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं p2 स्क्वायर अपॉन p1 स्क्वायर, और 2m तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, मास विल रिमेन सेम। तो p2 अपॉन p1 का होल स्क्वायर, दैट मींस अब हमारा पर्पस है सेपरेटली p2 अपॉन p1 निकालना। और p2 अपॉन p1 कैसे आएगा? p2 इज 110, 10% है, तो 110 अपॉन 100। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा आंसर तो निकल जा सकता है, बट इसका स्क्वायर करना होगा, और फिर बाद में बाहर वाला 100 भी तो कैंसिल होएगा, और ये 100 बाहर वाला कैंसिल हो गया, तो 21% should be our answer। ये इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज। ये क्वेश्चन जेई में भी आता है और स्कूल टेस्ट में भी आता है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ गए। हाउ डू वी डिराइव? ये तो पूरा प्रॉपर डेरिवेशन है। सेम डायग्राम, यू से मूव कर रहा था, फोर्स लगाया तो ये ई से मूव करेगा, और दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज एस, नेचुरली ये एम पहले भी था अभी भी एम है। फिर स्मॉल वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाल, लेट एनी बॉडी ऑफ मास एम विच इज इनिशियली मूविंग विद इनिशियल स्पीड यू आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बॉडी स्टार्ट एक्सेलरेटिंग एंड इट एक्वायर्स स्पाइनल स्पीड वी, एंड ड्यूरिंग दिस मोशन बॉडी एक्सेलरेट्स विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए एंड द बॉडी कवर्स एस डिस्प्लेसमेंट। बाहर कर दिया और लिमिट्स वुड बी यू टू वी वी स्क्वायर बाय 2 वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इज एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है और एक पोटेंशियल, दोनों कई बार दोनों लगभग सेम ही होता है, बट क्या डिफरेंट होती है? हम लोग ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक रेफरेंस पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ का होना चाहिए, एक मतलब ये रिलेटिव कंसेप्ट हो गया कि विद रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ कितनी हाइट है, तब वहां पे mgh के टर्म में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं। लेकिन ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी जो जनरल है वो सीधा हम लोग डिफाइन करते हैं बिकॉज ऑफ पोजीशन और कॉन्फिगरेशन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू
ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. अभी अपने किसी बॉल पेन के अंदर देखना, उसमें एक छोटी सी स्प्रिंग लगी, उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो स्प्रिंग में अंदर पड़ते हैं. तो स्प्रिंग में क्या क्या होता है, खासकर एक कंप्रेशन होता है, फिर एक एक्सपेंशन. जब आप कंप्रेस करते हो स्प्रिंग, तो उसमें क्या होता है, अगर हम इसे कंप्रेस करें तो री स्टोरिंग लाइक दिस करते हैं, और अगर एक्सटेंड करें तब री स्टोरिंग को देखते मिलता रहेगा. तो अब जरा मेरे को ये बताना कि किस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज और किस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी अगर कंजर्व हो रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होते ही फिर उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज करने के लिए सिस्टम रेडी हो जाती है, वर्क डन करने के. जैसे आपने अभी खाना खाया, लंच या ब्रेकफास्ट किया था, डिकम्पोज हुआ, तो केमिकल एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई, और वही फर्दर मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई, जो आपने यूटिलाइज करना शुरू किया. अभी आपकी हैंड्स की मूवमेंट भी हो रही है बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी. कौन से दोनों सिचुएशन में से किस सिचुएशन में सिस्टम इज बिकमिंग रेडी. ये देखो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इसका मतलब सिस्टम इज becoming ready to do work. और in second situation also आपने खींचा तो वो छोड़ते ही फिर वापस restoring force उल्टे direction में लगा. तो that means in both the situation potential energy increases. और restoring force दोनों situation में तो potential energy increase. F is directly proportional to minus x, or F is equal to minus k. This x is what? Displacement from mean position. यानी कि यहाँ पे suppose compress करके है, तो it could be mean position like this. उसके respect में यहाँ पे compress करके इतने दूर आए और ये इधर आ गए, तो मीन पोजीशन ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे. तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो तभी जो है, और एफ और एक्स के बीच का ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव लेते हैं इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास फोर्स पॉजिटिव आता है. यस ये ग्राफिकल वेरिएशन तब की बात है. तो दैट मींस अगर कंप्रेशन कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, और अगर एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ये वाला आप मेंशन ही कर लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम एक्स इज पॉजिटिव इन केस ऑफ एक्सटेंशन. बट एक्स इज नेगेटिव in case of compression. F is equal to minus kx का ग्राफ, ये तो F versus x का ग्राफ था,
और f इज इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ, f वर्सेस x ग्राफ फॉर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब अगर ये ग्राफ अगर पूछा जाए ना, तब वो वाला ग्राफ आप दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है। अब स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट, अब मैं थोड़ा सा मैथ्स में आ रहा हूं। हाँ, मैथ्स के टर्म में क्या है, आप इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो? स्ट्रेट लाइन कर लिया है मैंने, स्लोप का एक वीडियो का लिंक तुम्हें भेजा था, वो देखा था तुमने क्या? थोड़ा सा देखा था। एक बार आई। अच्छा नहीं, अब एक बार जब भी उसे कैजुअली देखना, नॉट लाइक स्टडी, कैजुअली देखना, तो वो स्लोप पे है। स्लोप कंसेप्ट है वो बार बार। अब देखो अभी यहाँ पे वही उसी चीज कंसेप्ट की जरूरत पड़ी। अच्छा दिन भर में कई क्लास लेते लेते आंख आईज भी पूरी स्ट्रेस में हो जाती होगी। मॉर्निंग की क्लासेस स्कूल का, फिर जो मेरे मैथ्स के दो ट्यूशंस हैं, फिर तो तभी मैथ्स की तो सिलेबस एकदम भागी जा रही है जबरदस्त। नहीं मतलब मेरे जो फर्स्ट ट्यूटर है वो थोड़ा धीरे स्लो करते हैं, मतलब स्लो पढ़ाते हैं वो, तो इसलिए पापा ने सेकंड क्वेश्चन लगाए थे। चलो कोई बात नहीं। हाँ लेकिन मैथ्स तो अब अच्छा जा ही रहा है। तो ये f इज इक्वल टू माइनस के एक्स को आप एक्चुअली ना मैं ये बताना चाह रहा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो दिस इज थीटा, अगर थीटा इंक्लिनेशन है, सो एंड दिस इज y इंटरसेप्ट c, और m इज tan थीटा। और जब एक्यूट एंगल होता है, दिस थीटा इज एक्यूट एंगल, देन टैन थीटा इज पॉजिटिव। और देखो यहां पे प्रीवियस सिचुएशन में ये यहां पे इस इक्वेशन में देखो यहां पे माइनस है। एक तो सी जीरो है एक्स के, एक्स के साथ माइनस के है, यानी स्लोप इज माइनस के। इसका मतलब m m जो है यानी tan थीटा मस्ट बी नेगेटिव, और तभी ऐसा तभी होगा जब वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और ये वाला जो ग्राफ होता है वो तभी होता है ऐसे। दिस इज f इज इक्वल टू माइनस k, ये ऑब्ट्यूस एंगल है ना, तभी ये नेगेटिव स्लोप है। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हाँ आपके सहूलियत के लिए, कि दिस m is equal to tan theta positive when theta is acute, negative theta is, ये यहाँ पे क्लियरली obtuse है, तभी ये f is equal to minus kx का ग्राफ ऐसा होता है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं करना, जब भी पूछा जाए f इज इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ तो ये ड्रॉ करोगे, जब पेपर में पूछा जाए सिंपली वेरिएशन बिटवीन f एंड x तब ये। आज के लिए अब वाइंड अप करते हैं, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, और मैं आपको आज शाम को भेज दूंगा।